वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है लोग आपको भूल क्यों नहीं पाते। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी क्वालिटीज़ है मेरे व्यूअर्स की कि लोग उन्हें भूल नहीं पाते। ठीक है, आज की रीडिंग में यही देखेंगे। मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। साथ ही ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के हैं लड़की हैं आप दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, ये कार्ड नीचे गिर गए थे और अनफोल्ड नहीं हुए थे, इसलिए मैं नहीं लूँगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दें किस टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, मेरी बहुत हेल्प होगी। साथ ही अगर आप देना चाहें गाइस तो दे सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। देख लेते हैं लोग आपको क्यों नहीं भूल पाते। मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, दो कार्ड आए हैं। ओके, देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स को लोग क्यों नहीं भूल पाते। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, लवर्स चैरियट, गाइस देख लो। मैं इस कार्ड को ना यहाँ रखना चाहती हूँ और इसको यहाँ, अब ठीक है। सबसे पहले तो टू ऑफ कप्स और द लवर से गाइस मैं यही कहूँगी कि आप ना ब्लेस्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है। अगर यहाँ भी देखोगे एंजल है और यहाँ भी एक एंजल है, ठीक है, तो यही मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है। साथ ही टू ऑफ कप्स से और लवर से यही कहूँगी आप एक ऐसे पर्सन है जिससे किसी को भी प्यार हो जाए। आपका नेचर, आपका रहने सहने का तरीका, आप जिस तरीके से किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं वो बहुत अच्छा होगा, आपका नेचर इतना अच्छा होगा गाइस, बहुत ज़्यादा। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन होंगे जिसे भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए ना, वो तब भी अलग ही दिखेगा। आप भीड़ में भी ना चमकते होंगे, सबसे अलग लगते होंगे, ठीक है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आपके पहले पास्ट में कुछ रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं या किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो गाइज वो भी आपको नहीं भूल पाया होगा आज तक। उसकी वजह ये होगी कि आपका जो इक्वालिटी के साथ रखना, आपका जो नेचर है ना, तुम और मैं दोनों एक बराबर हैं, ठीक है। तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मतलब आपका नेचर ही ये होगा कि मतलब बिल्कुल दिल से जैसे मानते हैं ना, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो भले ही आपका ब्रेकअप हो गया हो या जो भी आपकी सिचुएशन आई हो, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन आती है, लेकिन वो फिर भी पर्सन ना आपको इसलिए याद करता है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जिसने
उस पर्सन के साथ कभी कुछ छुपाया नहीं और एक बराबर समझा। आप एक ऐसे पर्सन है गाइस जो नॉलेजेबल है बहुत ज़्यादा, जो एक ऐसा पर्सन है जो कभी हार के लिए बना ही नहीं है, हमेशा जीतने के लिए ही बना है। यहाँ भी देखोगे तो एंजल फेदर्स हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। साथ ही मैं कहूँ तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो, आप शिव भक्त भी हो सकते हो, ऐसा हो सकता है गाइस। तो लोग ये भी बोलते हो कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो या आप शिव जी को बहुत मानते हो, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसे लोग इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि आप सच और झूठ दोनों में फ़र्क जानते हैं अच्छे से। आप लोगों में सच और झूठ अच्छे से पकड़ भी लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये चीज़ आपको करनी बहुत अच्छी आती होगी गाइस। साथ ही लोग इसलिए भी आपको नहीं भूल पाते हैं कि एक वक्त होगा जब आपका फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं था या आपकी हेल्थ ख़राब थी या जो भी कुछ ऐसा घर में इशू चल रहा था हेल्थ से रिलेटेड, बट उन सब चीज़ों से बाहर आके आपने एक चैरियट की तरह जीत हासिल की है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में गाइस, ठीक है। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको हर इंसान चाहता है कि ये हमारी लाइफ में आए, आपका नेचर ऐसा है, क्योंकि एक होती है गाइस क्वालिटी कि हर इंसान को ना एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो केयरिंग हो, लविंग हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, जो सारी सिचुएशन में को डील करना जानता हो, ठीक है। हर इंसान को ऐसा पर्सन चाहिए जो लॉयल हो, ठीक है, तो वो सारी क्वालिटीज़ ना आपके अंदर है, इसलिए लोग आपको भूल नहीं पाते। अगर आप सिंगल हैं ना तो इनफैक्ट आपको ना प्रपोज़ल बहुत आते होंगे, रिलेशनशिप के प्रपोज़ल बहुत आते होंगे गाइस, क्योंकि आपका जो ये नेचर है ना मैच्योर है, स्टेबल है और बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है। साथ ही आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन होंगे, साथ ही आप काफ़ी ज़्यादा किसी फील्ड में माहिर हो, ऐसा भी हो सकता है। चैरियट से मुझे यही लगता है कि आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लिया हो खुद के दम पे, या शिप के दम पे एडमिशन लिया हो किसी बाहर की कंट्री में, ऐसा भी हो सकता है। अपने दम पे कहीं बाहर आप रहने गए हो या अपने दम पे आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, ठीक है गाइस, आपकी फैमिली ने हेल्प नहीं की हो लेकिन आपने खुद के दम पे कुछ अचीव किया हो, इसलिए भी लोग आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं या भूल नहीं पाते हैं वो। साथ ही मैं कहूँ आप बहुत ज़्यादा ना सुंदर हो सकते हो, लड़की है तो बहुत ज़्यादा स्लिम ब्यूटीफुल सी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर और बहुत प्यारी सी होगी, लड़के को क्रश आ जाए। अगर लड़के हैं तो काफ़ी ज़्यादा फिट, हैंडसम और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ तो मसल्स वगैरह बना रखे हैं, बॉडी वगैरह बना रखी है जिम जाके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। साथ ही मैं कहूँ तो आप लोगों के जो नए नक्श हैं ना ऐसे होंगे कि मतलब एक बार किसी ने देखा ना तो वो मोहित हो जाए, मीन्स इतने ज़्यादा सुंदर आपके नए नक्श होंगे ना जिसकी वजह से लोग आपको हमेशा याद रखें या आपके फेस को कभी ना भूलें। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि बच्चों का फेस देखा है कितना प्यारा सा होता है, मतलब उनके फेस पर जो स्माइल होती है ना वो कभी कभी हम भूल नहीं पाते हैं। सॉरी गाइज मेरा गला ख़राब है, ठीक है, तो वही चीज़ है। साथ ही मैं कहूँ तो आप ना सबके साथ मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं, मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं। साथ ही आप ना एक टीम वर्क करने में बहुत अच्छे हैं, मीन्स सबको ना एक साथ लेके चलने वाले पर्सन हैं, इसलिए भी लोग आपको याद रखते होंगे हमेशा या भूल नहीं पाते होंगे। साथ ही मैं कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन है और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है, मीन्स अगर आपको लगता है ना कि हाँ यहाँ पे मुझे थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग तरीके से बिहेव करना चाहिए, एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए या कमांड अपने हाथ में लेनी चाहिए किसी भी काम की, तो हाँ आप करते होंगे,
वहाँ आप करते होंगे और लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी। साथ ही मैं कहूँ एस ऑफ पेंटेकल से, आप इस सिचुएशन से बाहर आए हैं, इतनी जीत आप हासिल कर रहे हैं, हारने के लिए आप बने नहीं हैं। तो साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ना फाइनेंशियली पोर्टल हमेशा खुले रहते होंगे, या कहीं ना कहीं आपने ना ऐसे इन्वेस्ट कर रखा होगा जहाँ पे आपको ना एक्स्ट्रा अर्निंग होती हो, ठीक है? तो लोग इसलिए भी याद करते हैं कि भाई आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हो, साथ ही आप में ना इतना ज़्यादा दिमाग है, या आप इतने ज़्यादा, मैं कहूँ तो फाइनेंस में आपका इतना अच्छी पकड़ है ना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा आएगा, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है और वो चीज़ भूलते भी नहीं होंगे लोग। साथ ही मैं कहूँ तो लोग आपसे ना एडवाइस लेने भी आते होंगे, लोग आपसे एडवाइस लेने भी आते होंगे गाइज, या जो आप एडवाइस देते होंगे ना वो बहुत अच्छी देते होंगे, ठीक है? और आप फ्रेंडली नेचर के होंगे, स्टेबल हैं, बट मैं किंग ऑफ कप से भी बोल दूंगा इसकी, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होंगे, जिनके इमोशंस थोड़े ऊपर नीचे होते रहते होंगे, बट वो अच्छे होंगे, काफ़ी जॉली नेचर के, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, बच्चों के साथ कैसे डील करना है, बड़ों के साथ कैसे डील करना है, अच्छे से पता होगा ये चीज़ आपको, सच झूठ आप अच्छे से पकड़ते होंगे, ठीक है? और एक स्टार की तरह होंगे, जहाँ जाओगे वहाँ छा जाओगे मेरे व्यूअर्स। या गाइस, तो लोग यही बात है कि लोग आपको क्यों नहीं भूल पाते हैं, आपको जो नेचर है, क्वालिटी के साथ रहना, बैलेंस रहना, हर जगह हर फील्ड में जीतना, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, स्टेबल रहना अपनी लाइफ में, टीम वर्क करना, सबको साथ लेके चलना, और अपने बुरे टाइम से बाहर निकल के कैसे जीत हासिल की जाती है, या उस सिचुएशन से कैसे आगे आया जाता है, वो चीज़ लोग आपकी कभी नहीं भूलते। साथ ही आपका ड्रेसिंग सेंस लोगों को बहुत पसंद होगा, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो लोगों को बहुत पसंद होगा, आप जैसे खुद को मेंटेन रखते हैं वो लोगों को बहुत पसंद होगा। फाइनेंस कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद है, लोग इस चीज़ को भी नहीं भूलते होंगे। लोग आपसे एडवाइस जो लेते हैं वो नहीं भूलते होंगे कि आप इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं जो लोगों का भला करती है, जो लोगों की हेल्प करती है, साथ ही आपका जॉली नेचर, फ्रेंडली नेचर, और साथ ही मेच्योरिटी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छा लगता है गाइज। और इनफैक्ट लोग आपके साथ ना रिलेशनशिप में भी आना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हो आप, आपके ऊपर एंजल ब्लेसिंग है, शिव भक्त हो सकते हो, मुझे नहीं पता किसके लिए ये मैसेज आया था, तो लोग की वजह से लोग आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने या तो कहीं टैटू वगैरह करा रखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं टैटू करा रखा हो, मुझे नहीं पता किसके लिए आया ये मैसेज, बट हाँ कहीं आपने टैटू वगैरह करा रखा हो, ऐसा भी हो सकता है, शिव जी का कुछ ऐसे ही, ठीक है? तो ये भी हो सकता है, या आप बहुत बड़े शिव भक्त हैं इसलिए भी लोग आपको बहुत मतलब भूल नहीं पाते, या ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ना इतने स्पिरिचुअल होते हैं, या इतने मतलब उनके मुंह पे ही होता है अपने जो जिस भी वो भगवान को मानते होते हैं, तो लोग बोलते भी हैं ना, भूल पाते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल पर्सन है, या वो उनका बहुत बड़ा भक्त है जिस भी वो भगवान को मानते हैं, ठीक है? और जो भी क्रिएट किया है खुद के दम पे क्रिएट किया है आपने, ठीक है? आपने जो भी कुछ बनाया आपने दम पे बनाया, जहाँ जाते हो वहाँ आपकी जीत पक्की है गाइस। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कि क्यों नहीं लोग आपको भूल पाते, सन हो आप एक चमकते हुए सन, ठीक है? तो या गाइस, अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा, सजेशन ज़रूर दीजिएगा किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं आप, ठीक है? और मुझे अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।